फिर टूटा आरसीबी का खिताब जीतने का सपना। प्ले ऑफ में कौन कौन से चार टीम बनाई है जगह, ये सब बतलाएंगे। इसके पहले अगर आप भी विराट कोहली और सुमन गिल को नंबर वन का बैट्समैन मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलो शुरू करते हैं। गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ फाफ डुप्लेसी की अगुवाई वाली आरसीबी का सफर जारी टूर्नामेंट में खत्म हो गया है। बेंगलोर की हार के साथ मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है। इससे पहले गुजरात टाइटन्स, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2023 के 70वें मुकाबले में विराट कोहली के शतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 197 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटन्स ने सुमन गिल के नबाद शतकीय पारी की बदौलत 19 ओवर एक गेंद में 4 विकेट पर 198 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2023 का क्वालिफायर एक गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मंगलवार 23 मई को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार 24 मई को होगा। 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा। शाह 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सुमन गिल ने विजय शंकर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। विजय शंकर 35 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। एक छोर से सुमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और जारी सीजन में अपना लगातार दूसरा शतक लगाया। इससे पहले बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने आईपीएल में अपना लगातार दूसरा और कुल 7वां शतक जमाया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दूसरे छोर से विकेट गिरने के बावजूद गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 5 विकेट पर 197 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में शतक जड़ने वाले कोहली ने 61 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल है। इससे उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़कर आईपीएल में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। वह इस टी20 लीग में लगातार मैचों में शतक बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। बारिश के कारण लगभग 1 घंटे देरी से शुरू हुए खेल में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी की टीम ने धीमी शुरुआत की तथा पहले 2 ओवर में केवल 10 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी ने मोहम्मद शमी पर 4 चौके और कोहली ने यश दयाल पर लगातार 3 चौके लगाकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों में जोश भरा। आरसीबी ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 62 रन बनाए। डुप्लेसी हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। नूर अहमद ने अपने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल ने 11 रन बनाया, इसी ओवर में छक्का और चौका लगाया, लेकिन राशिद खान की अगली ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। राशिद ने 24 रन देकर 1 विकेट लिए। विकेट कीपर रिधिमान शाह ने नूर अहमद की वाइड गेंद पर महिपाल लोमरोर को स्टंप आउट करके आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 85 रन कर दिया। आरसीबी के 18 रन के अंदर 3 विकेट निकलने के बावजूद कोहली दूसरे छोर पर डटे रहे। उन्होंने 35 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। माइकल ब्रेसवेल 16 गेंदों पर 26 रन बनाया। दिनेश कार्तिक फिर से नाकाम रहे और खाता भी नहीं खोल पाए। यश दयाल ने उन्हें विकेट के पीछे कैच कराया। कोहली ने पारी की 18वें ओवर में यश दयाल पर अपनी पारी का पहला छक्का लगाया और 60 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अनुज राउत नबाद 23 रन के साथ 6 विकेट के लिए 64 रन की अटूट साझेदारी की। कोहली से पहले शिखर धवन और जोश बटलर ने आईपीएल में लगातार मैचों में शतक बनाए थे। दोस्तों, ये कोहली की धाकड़ बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना।